नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे इस YouTube चैनल पे। आज जो चीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो मेजर पेस्ट, सभी क्रॉप के मतलब जो मेजर पेस्ट होते हैं, अलग अलग क्रॉपों के जो मेजर पेस्ट होते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे और उसके साइंटिफिक नेम को हम लोग ट्रिक के साथ याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं कि क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें ये देखना है, पहला जो है मेजर पेस्ट ऑफ लेडी फिंगर। ठीक है, लेडी फिंगर यानी ओकरा को हम लोग क्या बोलते हैं, लेडी फिंगर। ठीक है, अब ओकरा का जो मेन पेस्ट है यानी मेजर पेस्ट है वो है फ्रूट बोरर। ठीक है, और देखिए इधर हमने टोमेटो का भी लिखा है कि इसका भी फ्रूट बोरर होता है, अंतर क्या होता है उसके साइंटिफिक नेम में। ठीक है, तो कभी कभी वहाँ साइंटिफिक नेम में कन्फ्यूजन हो जाता है कि या ये होता है कि दोनों फ्रूट बोरर हैं तो साइंटिफिक नेम किसका क्या है उसको हम लोग ट्रिक के साथ याद करेंगे, कभी भूलेगा नहीं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए मेजर पेस्ट ऑफ लेडी फिंगर या ओकरा उसका नाम है। ठीक है, तो वो है फ्रूट बोरर। अब देखिए इसमें छुपा हुआ है, ओकरा को हम लोग कहते हैं लेडी। ठीक है, लेडी क्या क्या, अब देखिए यहाँ पे हमने बना दिया है, दे दिया है एक फिगर। अब ये जो फिगर में ये एक लेडी है जो कि अपने पास क्या फ्रूट रखी हुई है और इसके ईयर में ईयर रिंग पहनी हुई है, तो इस तरह से याद कर लीजिएगा कि इसका साइंटिफिक नेम भी ईयर से ही शुरू होगा यानी एरियास बिटेल्ला। ठीक है, ये याद हो गया आपको, कैसे याद करना है मेजर पेस्ट और मतलब अगर लेडी फिंगर का हमें देखना है तो एक लेडी, ये मान लेंगे एक लेडी है जो अपने पास फ्रूट रखी हुई है, तो उससे आपको फ्रूट बोरर हो पता चल जाएगा कि लेडी फिंगर का फ्रूट बोरर है और वो अपने ईयर में ईयर रिंग अक्सर लेडी पहनती हैं तो उसका जो साइंटिफिक नेम है वो भी ईयर से ही शुरू होगा, तो इस तरह इरियास बिग टेल्ला उसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा। क्लियर हो गया, उम्मीद है कि ये आपको इस ट्रिक के माध्यम से याद हो जाएगा। ठीक है, भूलेगा नहीं कभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के लिए अब देखिए इसमें जो मेजर पेस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, अब इसमें दूसरा जो है मेजर पेस्ट ऑफ टोमेटो, टोमेटो का मेजर पेस्ट क्या है, तो इसका भी फ्रूट बोरर है। ठीक है, अब फ्रूट बोरर है टोमेटो का क्या है, फ्रूट बोरर है। अब यहाँ देखिए एक फिगर हमने बना दिया है। ठीक है, अब देखिए बोर जो होगा है यानी यहाँ पे छेद हुआ है। ठीक है, और जो छेद हुआ है टोमेटो में यानी बोर हुआ है यानी फ्रूट के, टोमेटो के फ्रूट में जो बोर हुए हैं वो ऐसे मान लीजिए कि हेलीकॉप्टर से कोई छेद कर दिए, जाके उसमें घुसा दिया। ठीक है, तो बस ऐसे याद कर लीजिए, टोमेटो में हेलीकॉप्टर पार में जेरा और ये बोर, और देखिए ये जो हेलिकोबर्पा आर्मी जेरा के यहाँ फिगर बना है ये भी मतलब ऐसे है जैसे कि मतलब जैसे मतलब एरोप्लेन होते हैं उस तरह से इसका फिगर कुछ ऐसे लग रहा है, या हेलीकॉप्टर। ठीक है, तो उसी से इसको भी कोरिलेट कर लीजिएगा, मतलब याद हो जाएगा, भूलेगा नहीं आपको। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला जो है वो मेजर पेस्ट है ब्रिंजल का। ठीक है, ब्रिंजल का जो मेजर पेस्ट है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मेजर पेस्ट ऑफ ब्रिंजल, पूछा जाता है कि ब्रिंजल का मेजर पेस्ट क्या है, तो वो है फ्रूट एंड शूट बोरर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए इसको याद कैसे करोगे कि इसका साइंटिफिक नेम फ्रूट एंड शूट बोरर क्या है, तो सबसे पहले तो इसका पेस्ट ही याद करने में प्रॉब्लम, कभी कभी याद नहीं रहता है ब्रिंजल का मेन पेस्ट क्या है। ठीक है, यानी मेजर पेस्ट क्या है, तो ये देखिए हमने एक फिगर लगाया है यहाँ पे, इसमें एक लोग क्या करा रहे हैं, शूट करा रहे हैं फोटो। ठीक है, एक कोई लेडीज हैं जो कि शूट करा रही हैं फोटो, और कहाँ करा रही हैं, जल में, जल में यानी पानी में फोटो शूट करा रही हैं, और ब्रिंजल में भी छुपा हुआ है जल, तो इसी तरह से इसको कोरिलेट करिए। अब ये जो पहनी हुई है कपड़े वो व्हाइट कलर का है, और अगर कहीं भी ल्यूको टर्म लग जाता है तो
तो उसे हम लोग कहते हैं व्हाइट, ठीक है। तो इस तरह ल्यूसिनोड्स आर्बोनेलिस, इसका साइंटिफिक नेम याद कर लीजिएगा, ये भी आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। कैसे याद करेंगे? ब्रिंजल में छुपा हुआ है जल, और ये जो फिगर आप देखेंगे तो इसमें एक लेडीज हैं जो कि जल में फोटो शूट करा रही हैं। अब सूट बोरर ऐसे याद हो जाएगा, फोटो सूट, तो सूट हो गया, ठीक है। इस तरह से ये वाइट कपड़े पहने हैं, और जब कोई वाइट चीज़ होती है तो उसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है ल्यूको, जो कि ल्यूको ल्यूसिनोड में छुपा हुआ है। तो इस तरह से आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए दिया है कि मेजर पेस्ट जो है वो मैंगो का, मैंगो का पूछा है कि मेजर पेस्ट क्या है। तो मैंगो का जो मेजर पेस्ट है वो है मैंगो हॉपर, ठीक है। अब देखिए इसका जो साइंटिफिक नेम है एमरी टोडस एटकिंसोनी, ठीक है। तो इस तरह से अब देखिए, अब मेन बात आती है कि इसको याद कैसे करोगे। याद देखिए, ये देखिए जो यहाँ फिगर में लगाया हूँ ये क्या है, एक मैन है, मैन है, यानी मैंगो से मैन निकल गया, ठीक है। तो फिर ये क्या है, एक मैन है, और ये अपने हाथों में जो लिए हैं वो अमृत लिए हैं। देखिए इसका नाम भी अमृत है, ठीक है। तो ये क्या लिए हैं, अमृत लिए हैं, मैन है, अमृत लिए हैं, ठीक है। अमृत लेके बहुत खुश हैं। तो बस इसी से याद कर लीजिएगा कि इसका जो मतलब साइंटिफिक नेम होगा एमरी टोडस एटकिंसोनी। एमरी टोडस को ऐसे अमृत पढ़िएगा, अमृत पढ़िएगा, ठीक है। और कौन लिया है, मैन लिया है, यानी मैंगो का मैंगो हॉपर, ठीक है। और ये जो अमृत लिए हैं हाफ लिए हैं, तो हॉपर को हॉप समझिए, ठीक है। तो इस तरह से इसको कोरिलेट कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। अगला जो है वो मेजर पेस्ट है, जितने भी कोल्स क्रॉप हैं लगभग, तो उसका जो मेजर पेस्ट है वो है डायमंड बैक मोथ। डायमंड बैक मोथ हमेशा आता है ऐसे, या तो ऑप्शन में दे देगा मेजर पेस्ट आप क्रूसीफर, ठीक है, या तो मेजर पेस्ट आप कोल क्रॉप, या तो आपको देगा मेजर पेस्ट आप कैलीफ्लावर। तो इस तरह ये हो जाएगा डायमंड बैक मोथ, सबके आंसर हो जाएंगे। अब देखिए डायमंड मैं इसमें देखिए छुपा हुआ है डायमंड, और यहाँ हमने डायमंड का एक फिगर भी लगाया है। इसका जो साइंटिफिक नेम है प्लूटेला जाइलो स्टेला। यहाँ हमने एक गाड़ी जाइलो भी लगा रखी है, ठीक है, उसका फिगर लगा रखा है। तो इसी से कोरिलेट करना है। मान लीजिए किसी मूवी वूवी में जब हम लोग देखते हैं तो वहाँ जो मतलब थोड़ा मतलब जो विलेन होते हैं, यानी जो चोरी करने जाते हैं डायमंड का, किससे जाते हैं, जाइलो से जाते हैं, क्या करने, चोरी करने, यानी लूटने, लूटे। प्लूटेला में लूटे छिपा हुआ है, यानी लूटने, लूटपाट करने जाइलो से गए, तो जाइलो स्टेला हो गया। तो इस तरह से आपको ये भी याद हो जाएगा, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अगला है देखिए, पूछा है कि मेजर पेस्ट आप है ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर का मेजर पेस्ट पूछा हुआ है, तो इसे पोलू बीटल बोला जाता है। तो पोलू बीटल है, तो ये भी मतलब इसको कैसे याद करेंगे। तो इसको याद करने के लिए हमें क्या करना है कि पोलू बीटल किसका मेजर पेस्ट है, ब्लैक पेपर का। तो ब्लैक पेपर का जो पोलू बीटल इसका मेजर पेस्ट है। अब देखिए ये ब्लैक है, ब्लैक पीपर कहते हैं कि जो लड़कियों के लिए एक टर्म यूज किया जाता है, एकदम मिर्च जैसी होती है, ठीक है। तो इस तरह से ब्लैक पीपर है, यानी काली मिर्च समझिए। तो एक फिगर हमने यहाँ लगा दिया है, और ये बहुत लंबी है, यानी मतलब लंबी बहुत ज़्यादा है, लंबी है, तो लॉन्ग। तो इस तरह लॉन्गी टेरस निग्री पेनिस, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको ये भी याद हो जाएगा, यहाँ पे कोई आपको दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है, इसमें कोई समस्याएं नहीं, ठीक है। तो अगला, चलिए अगला देखते हैं। अगला है मेजर पेस्ट आप केसू, ठीक है। केसू का मेजर पेस्ट क्या है, तो उसका है केसू, लेकिन टी मॉस्किटो बग है, ठीक है।
तो अब जब इसको याद कैसे करोगे आप, सबसे बड़ी बात यही है कि याद कैसे होगा। तो याद होगा देखिए कैसू है, और इसका क्या है कि टी मॉस्किटो बग, ठीक है, ये इसका मेजर पेस्ट है। अब देखिए जब आप टी पीने जाते हो तो आपको क्या फ्री में थोड़ी कोई पिला देता है, दुकान पे जाओगे तो कैश लेगा। तो इसी तरह कैश लेगा, कैश यानी केसू से कैश हो गया, टी पीने जा रहे हो। अब कोई कह दिया एक बहुत ज़्यादा चला था हेलो फ्रेंड चाय पी लो, ठीक है, तो बस उसे इसका जो साइंटिफिक नेम है हेलो पेल्टिस एंटोनी, ठीक है। तो हेलो से, हेलो फ्रेंड से, तो हेलो याद कर लीजिए। थोड़ी सी अगर कुछ चीज़ें आप याद कर लेंगे तो बाद में वो पूरा याद हो जाता है, बस कुछ शुरुआत होनी चाहिए, ठीक है। जब कोई चीज़ शुरू हो जाता है तो उसका अंत भी अच्छा ही होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है शुरुआत करना। तो इस तरह जैसे हेलो मतलब चाय है, टी मॉस्किटो बग हो गया, तो इसी से इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। कैसो से आप कैश ले लीजिएगा, तो इस तरह से आपको ये भी याद हो जाएगा। अगला है मेजर पेस्ट जो बनाना का है। बनाना का जो मेजर पेस्ट है लगभग सबको पता होता है कि बनाना एफिड होता है, और बनाना एफिड है तो देखिए बनाना में ही छुपा हुआ है। देखिए बी से समझिएगा बनाना, ए से मतलब एफिड, ठीक है। इस तरह से बनाना एफिड जो इसका मेजर पेस्ट है। अब बनाना है तो पेंटालोनिया निग्रो नरोसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता रहता है, इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। नॉर्मली सबको याद रहता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है मेजर पेस्ट ऑफ अनार। अनार का जो मेजर पेस्ट पूछा गया है तो वो होता है अनार बटरफ्लाई। अब अनार बटरफ्लाई है तो इसको कैसे याद करोगे आप, तो इसको याद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक मिनट, अनार बटरफ्लाई है तो इसको याद कैसे करेंगे आप कि अनार बटरफ्लाई का साइंटिफिक नेम कैसे याद हो, तो इसका साइंटिफिक नेम ये याद करिए, देखिए वीराचोला आइसोक्रेट्स इसका साइंटिफिक नेम है। तो ये जान लीजिए जो बीर होते हैं, बीर होते हैं, साहसी होते हैं वो क्या खाते हैं, अनार खाते हैं, ठीक है। तो वीराचोला आइसोक्रेट्स, तो इस तरह से आपको ये भी याद हो जाएगा, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए फिर अभी, ठीक है, तो ठीक है, यहीं पे वीडियो को हम लोग ख़त्म करते हैं, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो फिर जल्दी आएगी, थैंक यू।